सो हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज, आप सबका स्वागत है गाइज यहाँ पे एक और नई वीडियो में। गाइज आर्क सर्वाइवल इवोल्व के एजी रिबॉर्न के। तो गाइज एजी रिबॉर्न के पिछले एपिसोड में ठीक है भाई शुरुआती पनौती से हो चुकी है। तो मेरे को लग रहा है पूरे एपिसोड में पनौती ही लगेगी, लेकिन गाइज आज पनौती नहीं लगने वाली, क्योंकि आज के इस एपिसोड में तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा खतरनाक वाला काम करने वाला है। अभी वो काम कौन सा होगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पिछले एपिसोड में गाइज हमने खतरनाक से फ्लेम इंडोमेसुरिक्स एंड शॉक इंडोमेसुरिक्स जो टेम करे थे, उसके लिए जो आपने नाम हमारे लिए यहाँ पे सजेस्ट करके भेजे थे ना, वो मेरे पास आ चुके हैं। तो सबसे पहले जो ना भाई, हाँ इस शॉक वाले का नहीं है, फ्लेम वाले का है। तो फ्लेम वाले का जो ना भाई नामकरण अपन यहाँ पे करने वाले, और यहाँ पे जो ना भाई मैक्सिमम बंदे मेरे को बोल रहे थे कि उनको जो ना भाई ये फ्लेम वाला इंडोमेसुरिक्स जो है ना वो काफी ज्यादा पसंद आया, जैसे कि मेरे को भी यही पसंद आया था और आपको भी यही पसंद आया, तो अच्छी बात है। चलो, और आज के एपिसोड में अपन सबसे ज्यादा खतरनाक वाली चीज जो है ना यहाँ पे हैच करने वाले। मैं आपको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, जिनको भी पता नहीं है मैं उनको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गाइस हम लोग जो है ना भाई 60,000 सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा नजदीक है। तो जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, फटाफट लाइक जरूर सब्सक्राइब कर दो, एंड गाइस हमारा 60,000 सब्सक्राइबर का जो गोल है वो जल्द से जल्दी कंप्लीट कर देना। और काफी ज्यादा बंदे बोल रहे हैं भाई जुरासिक वर्ल्ड मोबाइल की सीरीज का आप ऐसा कमेंट पे कमेंट डाल रहे हैं। गाइस रुको, जरा सबर करो, एक दो दिन बाद कंटिन्यू शुरू होने वाले भाई, ठीक है। थोड़ा सा उसको रेस्ट दिया है भाई, शायद कल परसों से भाई, ठीक है, परसों से उसकी वीडियो जो है ना भाई आना शुरू हो जाएंगे भाई, ठीक है, मेरे और यानी दोनों के चैनल पे भाई, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का रे, टेंशन खाली देने का। और गाइज आज जो चीज़ अपन टेम करने वाले हैं ना, उसके लिए 1K लाइक होने चाहिए वीडियो को, ठीक है। गाइज 1K लाइक कायम रखते, फटाफट कर देना गाइज, ठीक है, ये वाली वीडियो को भाई, ठीक है। चलो लेट्स गो। तो यहाँ पे काफी बंदों ने इस फ्लेम वाले इंडोमेसुरिक्स के लिए काफी अच्छे अच्छे नाम भेजे थे, लेकिन उसमें से सबसे अच्छा जो मेरे को नाम लगा वो लगा गाइस लावा किंग। एंड ये जो लावा किंग नाम है ना, ये हमको यहाँ पे सजेस्ट करा है डेविल गेमर ने। तो डेविल गेमर ब्रदर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा नाम बताने के लिए, एंड शाउट आउट टू यू डेविल गेमर ब्रो। एंड गाइस यहाँ पे जो है ना भाई, ये रहा हमारा खतरनाक सा लावा किंग। और मैंने इसको इसलिए ये नाम दिया क्योंकि ये देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि इसके पूरे शरीर के अंदर जो है ना भाई ऐसे लावा ही लावा बह रहा है भाई, ठीक है। इसलिए मैंने इस खतरनाक से डायनो को इंडोमेसुरिक्स को जो ना भाई लावा किंग नाम दिया है भाई। ओके चलो, अभी जो ना गाइस अपन क्या करने वाले भाई, अभी हम हमारा सबसे ज्यादा खतरनाक वाला जो 1035 लेवल का जो अंडा था ना गाइज, वो आज भाई यहाँ पे हैच करने वाले। सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का जो अंडा है ना भाई, वो यही है भाई जो अभी तक मेरे को सारे मॉड में मिला होगा भाई, किसी भी मॉड की बात कर लो भाई, ठीक है, प्राइमल फियर बीमर बेल हर एक मॉड में जो है ना भाई 700 या 800 लेवल के अंडे मिलते, लेकिन कभी भी मेरे को 1000 लेवल का अंडा कभी भी नहीं मिला। और ये वाला जो अंडा है ना, ये है खतरनाक से किसका रे बाबा, गीगा का है, लेकिन कौन से कैटेगरी का गीगा है ये भाई, फ्लेम वाला गीगा भाई, ठीक है, फ्लेम गीगा का अंडा है भाई, और काफी ज्यादा ओपी वाला अंडा है। तो यहाँ पे जो है ना भाई, उसको हैच करने का काम अपन आज के एपिसोड में करने वाले, और इस गीगा से जो है ना अच्छा फुल टू तबाही मचाने वाले गाइस, ठीक है। हियर वी गो भाई, ये अंडा मैंने यहाँ पे डाल दिया है, और इसको हैच होने के लिए टोटल 29 मिनट्स लगेंगे, लेकिन मेरे को ये टेक वाला अंडो की तरह लग रहा है ना गाइस, क्या बोलती पब्लिक, मेरे को तो जो टेक वाले अंडे होते हैं ना भाई उनकी तरह सेम टू सेम ऐसे डेड टू कॉपी लग रही है। अरे बाबा ये अंडा, ठीक है, ये अंडे के आजू बाजू, हाँ भाई पहचान भाई, भाई हाइड एंड सीख भाई, बताओ मैं कहाँ पे हूँ भाई, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि अंडे के अंदर बैठा हुआ हो भाई, फटा अंडा निकला राहुल भाई, ठीक है चलो चलो। तो गाइस यहाँ पे 29 सेकंड जो है ना, सेकंड नहीं सॉरी मिनट जो है ना, अपन को इंतजार करना है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडोमेसुरिक्स के जब हम अंडे हैच कर रहे थे ना, तब वो जो ग्लिच हुआ था ना भाई, 4-5 बार वो अंडा हैच करना पड़ रहा था, वो वाला ग्लिच शायद इस गीगा के साथ भी हो सकता है भाई, ठीक है, पता नहीं। लेकिन अपन 29 मिनट यहाँ पे रुक जाते हैं, एंड उसके बाद देखते हैं इस अंडे में से भाई यहाँ पे बेबी बाहर निकलता है या फिर हमको अंडा वापस से हैच करने के लिए यहाँ पे डालना पड़ेगा गाइस, ठीक है। रुक जाओ गाइस, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, लुको जरा शबल करो गाइस। 2 hours later तो गाइज यहाँ पे इस अंडे को जो है ना भाई हैच होने के लिए लगभग और 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है। एंड जैसे कि मैंने बोला था भाई, मेरे को लग रहा है ये हैच नहीं होगा, इसमें से जो है ना भाई कोई भी गीगा अभी बाहर नहीं निकलेगा, मेरे को जो है ना थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, शायद 3-4 बार जैसे अपन ने इंडोमेसुरिक्स के अंडे को डाला था ना वैसे ही डालना पड़ेगा। देख दे चलो, अभी फिलहाल के लिए कितना टाइम बचा हुआ है भाई, 48 सेकंड, निकलने को निकल भी सकता है, अगर निकल गया तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, अपना काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना गाइज यहाँ पे बच जाएगा भाई लोग, ठीक है। हेलो गीगा सर जी,
बाहर तो निकले था नहीं का। अरे यार मेरे को जो ना हैचरी बनानी चाहिए थी और हैचरी में डालना चाहिए था अरे अंडा। हैचरी में जो ना भाई वो जो डोडो होता है ना भाई वो इसके ऊपर बैठ बैठ के जो ना अंडे को भाई बहुत ज़्यादा ही जल्दी में यहाँ पे ये कर लेता है, हैच कर लेता है। मैं जो ना यहाँ पे एस प्लस वाले एक हैचरी लगा दूंगा अगली बार से अगर मैं कोई अंडे जो है ना लेके आता हूँ ना तो भाई ठीक है। चलो भाई लोग 20 सेकंड का टाइम बचा हुआ है और 20 सेकंड में जो है ना भाई ये अंडा यहाँ पे हैच होने वाला है। भाई कैसे दिखेगा भाई, शौक है ना, फ्लेम है घीघा भाई सब, फ्लेम वाला घीघा। आपको पता है ना मैंने बोला था फ्लेम वाले जो क्रीचर होते हैं ना पॉइजन इलेक्ट्रिक और शॉक बीग जो होते हैं ना आइस बीग से सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो सबसे ज्यादा पावरफुल वाले गीगा का अंडा मिला अपन को और वो यहाँ पे हैच नहीं हुआ भाई ठीक है। अंडा हैच नहीं हुआ गाइस ठीक है। 14 मिनट वापस से 14 मिनट लिख के ले लो भाई, लिख के ले लो, ये लो 14 मिनट्स भाई, 11 मिनट्स ओके ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई 11 मिनट्स वेट कर लेते गाइस ठीक है, रुको। 6 and a half hours later 23 22 20 गाइस ठीक है, होने वाला है होने वाला है होने वाला है गाइस होने वाला है, देख रहे हो भाई फटा अंडा निकला रहा उड़े से होगा भाई अभी ठीक है। 15 भाई मैं दिखाई नहीं दे रहा सच में भाई ठीक है, कितना हो गया भाई ओके ठीक है, होने वाला है गाइस। बस अभी वापस से अंडा जो है ना भाई यहाँ पे जाने वाला है फर्टिलाइज होने के लिए, फर्टिलाइज ने क्या बोलते हैं इंक्यूबेट होने के लिए भाई ठीक है। ऑल राइट 3 2 1 गो भाई, नहीं निकला नहीं निकला, पता है ना मेरे को भाई, पता है मेरे को नहीं निकलेगा अभी। कितना 8 मिनट आई थिंक 8 मिनट या 5 मिनट, कितना मिनट 4 मिनट भाई ठीक है गाइस, कोई ना भाई लोग 4 मिनट और इंतजार कर लेते हैं भाई। और मेरे को लग रहा है कि इस टाइम हो जाएगा यार, ऐसा लग रहा है मेरे को ठीक है, देखते चलो। टडन 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 टरन टरन हो जा भाई, टरन टरन भाई 22 इस बार हो जाएगा गाइस ठीक है, ऐसा मेरे को बहुत ज्यादा जोर से लग रहा है भाई। ग्रो पोशन है क्या मेरे पास, ग्रो पोशन तो मैंने कल ही बनाया था ये ना, हाँ भाई ग्रो पोशन मेरे पास है, जैसे भाई यहाँ से गीगा बाहर निकलेगा ना उसको क्लेम करके ग्रो पोशन खिला के 1 सेकंड में बड़ा कर दूंगा भाई ठीक है, 1 सेकंड में सीधा बड़ा भाई। 4 3 मेरे को लग रहा है निकलने वाला है भाई, निकल गया देखना देखना निकल गया, ये देखो नहीं निकला भाई। और अभी मेरे हिसाब से 30 सेकंड्स मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड भाई, अरे 1 मिनट 20 सेकंड्स यार वापस से ठीक है। चलो एक काम कर लेता हूँ ना, तब तक जो है ना अपन एक काम कर लेते हैं भाई, साइड से जो है ना भाई गीगा के सैडल लेके आते हैं भाई ठीक है। आ जाओ भाई लोग आ जाओ, इस खतरनाक वाले गीगा के जो सैडल है ना भाई मैंने यहाँ पे भाई कल वाले एपिसोड्स में बना के यहाँ पे रखे थे ना, वो लेके चला जाता हूँ वहाँ पे ताकि जैसे वो हैच हो जाए ना उसके ऊपर सैडल भाई लगा के ना फुल टॉय से तबाही मचा सके। गीगा 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 हाँ ये रहा भाई, ये कौन सा है गीगा का, अल्फा गिगांतोसौरस नहीं भाई, प्रिमिटिव गिगांतोसौरस है और अल्फा गिगांतोसौरस है भाई ठीक है। वो वाला नहीं है गीगा का कोई सैडल, दूसरा प्रिमिटिव गिगांतोसौरस सैडल इंडोमेस रेक्स प्रिमिटिव है एंड अल्फा अल्फा और भाई नॉर्मल वाले दोनों सैडल ले लिए, दोनों में से कौन से सैडल उसको लगेंगे ये मेरे को बता नहीं है गाइस ठीक है, इसलिए दोनों ले लिए। मेरे को लग रहा था कि मेरे को वो वाले चाहिए होंगे इनविजिबल समथिंग कुछ थे ना गीगा के सैडल, पता नहीं भाई देखते चलो, शायद इन दोनों में से भाई कोई इसके ऊपर लग जाए एक सैडल। कितना टाइम बचा है भाई, 21 सेकंड्स ओनली, हो गया भाई समझो हो ही गया भाई, खत्म टाटा बाय गुड बाय भाई। कितना 15 सेकंड भाई, निकल गया भाई निकल गया बच्चा निकल गया भाई बाहर, लेट्स गो भाई। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि वो कैसे दिखता है भाई गीगा, भाई गीगा यार सबसे ज़्यादा पावरफुल डायनो भाई, मजाक कर रहे हो मजाक कर रहे हो भाई। 1 0 निकल बाहर बेच के, ओ भाई क्या लग रहा है, एक मिनट रुक जाओ इसको बड़ा करने दो, अबे इसका इवोल्यूशन भी है बे बेयर, इसका इवोल्यूशन भी है खत्म, ले भाई इसको क्राई करने दो मेरे को सबसे पहले भाई। ये इंडोमेस जो रेक्स थे ना गाइज उनसे 100 गुना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है गाइज, 100 गुना ज़्यादा भाई, मजाक नहीं कर रहा यार मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, 100 गुना ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस लग रहा है। लुक वाइज तो इसने तो भाई ऐसा दिल खुश कर देता भाई, दिल खुश कर देता भाई। रुक जाओ ये देखो भाई, टड़ा भाई, ओ भाई रुक जाओ इसके ऊपर सैडल लगा दो भाई, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका कौन सा वाला इवोल्यूशन है भाई, अल्फा इवोल्यूशन है भाई, खतरनाक भाई। और अल्फा इवोल्यूशन तो मैं करके रहूँगा भाई कुछ भी हो जाए भाई, और ये वाला भी लगेगा क्या, नहीं भाई जो लगना था वो सैडल यहाँ पे लग चुका है इसको भाई। भाई साहब गाइस लुक तो देखो, अबे लुक तो देखो क्या खतरनाक लग रहा है भाई यार, ओ भाई इसका फेस देख रहे हो भाई क्या खतरनाक सा लग रहा है यार इसका फेस, वाह भाई। गाइस क्या बोलते हो इंडोमेस रेक्स को भाई इसने लुक वाइज पीछे छोड़ दिया कि नहीं, बताओ भाई सच बताना भाई लोग, इंडोमेस रेक्स को जो ना भाई इसने लुक वाइज पीछे छोड़ दिया कि नहीं भाई, बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है भाई। फ्लेम वाला गिगांतोसौरस भाई वाह, और इसके अंदर से ऐसे फ्लेम वाले पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं वो भी बड़े बड़े भाई, यार मजा आ गया भाई
मजा आ गया इस गांडा एज करके भाई। अटैक हो चे बाइट अटैक है लेफ्ट क्लिक पे। ओ वाओ सी पे। ओ यस लेट्स गो बम चिकी चिकी बम बम खत्म खत्म खत्म। ओ वाओ वाओ सारे पत्थर आजू बाजू के टूट गए वहां पे। खतरनाक भाई पावरफुल है पावरफुल है पावरफुल है लोंडा लोंडा काफी ज्यादा पावरफुल है भाई। लेवल बता भाई 18 लेवल है। पहले इसके हेल्थ में डालने दो मेरे को भाई ठीक है मेरे को जो ना भाई इसके हेल्थ में डालने दो भाई। ओ यस लेट्स गो मेरे बच्ची। हाँ भाई ठीक है रुक जा रुक जा रुक जा। तेरा कोई रोर वाला अटैक है कि नहीं भाई? रोर वाला अटैक है कि नहीं? रोर बीर करने वाला अटैक नहीं है? ओके ये वाला रोर वाला अटैक है क्या? काफी कूल है लेकिन यार काफी ज्यादा ही कूल है। ओ भाई खतरनाक खतरनाक भाई दिल खुश हो गया भाई। इसको जो ना भाई अभी मैक्स लेवल का करके रहूंगा मैं भाई। हाँ चल भाई बाद में भाई अभी सबकी मौत आई है भाई तेरी। पहले एक मिनट रुक जा। हेल्थ कितनी है भाई? 200 मिलियन हेल्थ है भाई। मजाक कर रहे हो भाई? ले बेटा खत्म 1 मिलियन अभी से डैमेज देने लग गया भाई। 1 मिलियन अभी से डैमेज देने लग गया। मैंने इसको तो भाई लेवल अप भी नहीं करा है। 1 मिलियन भाई अभी से डैमेज पड़ने लग गया इस घायल है। ये ले भाई 50 लेवल अप इसके भाई डैमेज में। सारे लेवल अप इसके डैमेज में डालूंगा भाई। हाँ वेट में एक हाथ डाल दिया क्योंकि डालना चाहिए ना गाइज डालना चाहिए ना भाई ठीक है। ले बेटा फुल टू डैमेज में भाई फुल डैमेज में भाई ठीक है। रुक जा ये फालतू का सामान फेंक दे भाई ठीक है। आ जाओ भाई लोग आ जाओ भाई। लेफ्ट क्लिक वाला अटैक फायर ब्रीथ 1 मिलियन की जा रही है। सी वाला अटैक दिखा कितने का जा रहा है। ओ भाई और आग लग रही है भाई हर जगह पे देखो तो भाई खतरनाक। जहां पे भी मैं ये अटैक कर रहा हूँ ना ये देख रहे हो उस एरिया का सारे के सारे जो जगह है ना वहां पे आग लग रही है। देख रहे हो ये देख रहे हो अच्छा चले गए यार वो चले गए भाई। ऐसे लावा के छोटे छोटे स्पॉट बन रहे भाई वहां पे। खतरनाक है भाई। और रेंज तो देखो अबे रेंज देखो इसके अटैक की काफी कूल है भाई। काफी दूर तक मार सकता है ये। मैं इसके अभी थोड़े से हेल्थ में पॉइंट डाल देता हूँ अभी भाई इसका। भाई मेरे को भाई रात में तो भाई बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। अंधेरे में तो देखो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है यार। ओए हाय ओए हाय भाई खतरनाक है भाई खतरनाक है। बाइट अटैक 18 मिलियन का बाइट अटैक जाने लग गया गाइस खतरनाक भाई। इंडोमेज रेस को टक्कर देने वाला डायनो है भाई ये भाई। आखिरकार गीगा है भाई ऐसे थोड़े आंडू पांडू डायनो है भाई एकदम खतरनाक वाला गीगा है। रुक जाओ इस गीगा को जो ना भाई एकदम ऐसे ऊपर पहाड़ी पे लेके चलता हूँ वहां पे कोई अगर खतरनाक सा। एक मिनट रुक जाओ वहां पे ऊपर कोई बॉस था ना मेरे को बॉस से भिड़ाना है इसको। मेरे को इसको जो ना बॉसेस से भिड़ाना है सीधा ठीक है। ये क्या चीज है फायर वाला प्रोकोप्टेड ऑन क्या? ओके फ्लेम प्रोकोप्टेड ऑन है ना ठीक है। रुक जाओ मेरे को जो ना इसको डायरेक्टली भाई फायर वाले नहीं सॉरी भाई बॉसेस से भिड़ा देना है ठीक है। सीधा बॉसेस से भिड़ा देंगे अपन। आ जाओ भाई लोग आ जाओ मेरे को बस ऊपर लेके जान दो इसको। और ऊपर की तरफ जो है ना मैंने काफी ज्यादा बॉसेस देखे हुए थे उससे ना सीधा इसको भिड़ा देता भाई। या भाई मैंने एक बॉसेस का भाई ऐसा हेल्थ बार कुछ देखा था समथिंग लेकिन अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक होने एलोसोरस अरे जाओ रे अभी मेरे को पता चल गया भाई जो सारे के सारे भाई नॉट टेमेबल डायनोज है ना भाई उनके पास अपन को अंडे जो है ना भाई वो यहाँ पे भाई इकट्ठा करने और अंडे हैच करके अपन सारे के सारे डायनो को जो ना बड़े आराम से यहाँ पे ये कर सकते टेम कर सकते हैं भाई ठीक है। ले बेटे चला जा ले बेटे आ जा अंधेरे में काफी ज्यादा कूल लग रहा है भाई। ले भाई ये देखो तो जरा इसको भाई आए हाय एकदम खतरनाक लग रहा है भाई एकदम खतरनाक लग रहा है। 2000 years later ओके गाइस यहाँ पे जो ना भाई बारिश जाने का हमने इंतजार करा है और बारिश जाने के बाद जो है ना भाई अभी गीगा जो है ना और ज्यादा खतरनाक लग रहा है मेरे हिसाब से। 40 मिलियन यस भाई 40 मिलियन नहीं सॉरी भाई 400 मिलियन जो है ना भाई वो हेल्थ इस गीगा की हो चुकी है और अभी फुल टू तबाही मचाने के लिए रेडी है। वो देखो रैप्टर बॉस हेलो रैप्टर वा कैसे हो भाई खत्म भाई ये देखना एक सेकंड में पेटी भाई। अच्छा नहीं मरा एक बार में नहीं मरा। रैप्टर के ऊपर जो ना मेरा हाफ डैमेज पड़ रहा था बस ठीक है। मेरा वैसे डैमेज जो ना 18 मिलियन है लेकिन उसके ऊपर जो ना आई थिंक 9 मिलियन पड़ रहा था डैमेज भाई। अच्छा चलो अच्छा है भाई डिस्ट्रॉय कर दूंगा सबको भाई। हेलो ऐसा आंटू पांटू गीगा नहीं यार अपना भाई क्या कूल लग रहा है ना यार लेकिन भाई देखो तो गाइज देखो तो कितना ज्यादा खतरनाक और कूल लग रहा है यार ये गीगा। ये गीगा सच में यार मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया यार काफी ज्यादा पसंद आया भाई। देखो तो भाई क्या पेलम पाल दे रहा है सबको। ले बेटे खत्म। ए भाई कोई और बॉस है क्या यहाँ पे
कोई और बॉस है जो मेरे से पंगा ले सके यहाँ पे भाई। शॉक वाले ने थोड़ा सा झटका दे के शॉक लगा डाला भाई। ले भाई फ्लेम वाले ने फ्लेम और शॉक वाले दोनों के दोनों इफेक्ट दे दिया भाई। ये देखो भाई खतरनाक है यार, खतरनाक। 4 मिलियन ही डैमेज पड़ रहा है क्या? वे भी इन डायनोस के पास कोई शील्ड थी भाई, इसके कारण 4 मिलियन डैमेज पड़ रहा भाई। मजा आ गया यार, मजे ही मजे आ गए गाइज, फुल टू मजे ही मजे आ गए। फॉल डैमेज खा रहा है? ओ फॉल डैमेज खा रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खा रहा है भाई, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ही फॉल डैमेज खा रहा है। बाय 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 भाई, गीगा हो गया भाई, दूसरे गीगा को मार रहा भाई। ले खत्म खत्म, मर गया क्या? ओ नहीं मरा, 72,000 उसको डैमेज पड़ा ओनली, उसको इतना कम डैमेज कैसे पड़ा? ओ नहीं, आई थिंक मेरे भाई उसके ऊपर से जो है ना भाई कूदने के कारण उसको सिर्फ 72,000 डैमेज पड़ा था भाई, और इसका डैमेज जो ना काफ़ी ज़्यादा है भाई, 19 मिलियन भाई, 19 मिलियन ओपी बोल दे गाइज। तो गाइज ये जो हमारा डिस्ट्रॉयर गीगा है ना, जो सारे के सारे डायनोस को, सारे बॉस को, हाँ वो फाइनल बॉस छोड़ के सारे के सारे बॉस को जो ना डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये वाला गीगा जो है ना भाई, ये आपको कैसे लगा मेरे को जरा नीचे कमेंट करके बता देना। अगर अच्छा लगा होगा ये गीगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और गाइस गाइस गाइस, इस खतरनाक से गीगा के लिए खतरनाक वाले नाम नीचे कमेंट सेक्शन में मांगते भाई। और आपको इंडोमेस रेक्स और गीगा में से सबसे ज्यादा खतरनाक जो है ना पावर वाइज और यहाँ पे लुक वाइज कौन सा डायनो सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, ये भी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चले गाइस करते हैं आज का एपिसोड यहीं पे खत्म, मिलते हैं गाइस सबसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low.